मनीष नागदेव और सृष्टि रोड के ब्रेकअप को लंबा वक्त हो चुका है, लेकिन अब इतने लंबे वक्त के बाद मनीष नागदेव ने अपने इस टूटे हुए रिश्ते पर चुप्पी तोड़ी है। मनीष नागदेव ने अपने और सृष्टि के टूटे हुए रिश्ते पर उन सभी सवालों का जवाब दिया है जो कभी अधूरे रह गए थे। मनीष ने जो लेटर लिखा उसकी शुरुआत ही कुछ ऐसे की कि लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस पर अब बात क्यों कर रहा हूँ, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि लड़कियों की तरह भी लड़कों के पास दिल होता है, उनकी भी भावनाएं होती हैं। बता दें कि अपने इस ओपन लेटर में मनीष नागदेव ने सृष्टि और अपनी आखिरी फोन कॉल का भी जिक्र किया है। मनीष ने कहा कि 4 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद कम से कम मैं एक अच्छी गुडबाय तो डिजर्व करता ही था, लेकिन उसने इतना भी नहीं किया। उसने सिर्फ एक फोन कॉल पर मुझे ये कह दिया कि मैं अब अपने करियर के पीक पर हूँ, मैं इस रिश्ते में नहीं रहना चाहती, मैं खुद को इस रिश्ते से अलग करना चाहती हूँ और अब बात करने के लिए कुछ भी बचा नहीं है। मनीष नागदेव ने बताया कि उन्होंने सृष्टि रोड को इस पर मिलकर बात करने के लिए कहा था। उन्होंने सृष्टि से कहा था कि हम कम से कम एक बार फेस टू फेस बात तो कर सकते हैं। इसके लिए सृष्टि ने साफ साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, अपने इस ओपन लेटर में मनीष नागदेव ने इस बात का भी खुलासा किया है कि जहां सृष्टि रोड ने मनीष नागदेव को छोड़ा तो वहीं सृष्टि ने अपने म्यूचुअल फ्रेंड्स से ये कहा है कि मनीष नागदेव ने सृष्टि को छोड़ा। जी हां, मनीष नागदेव ये लेटर लिखने से एक रात पहले अपने और सृष्टि के म्यूचुअल फ्रेंड से मिले थे। मनीष नागदेव ने आगे अपने आप को एक्सप्रेस करते हुए ये लिखा कि इस ब्रेकअप के बाद मुझे ये समझ में आया है कि सृष्टि रोड मेरा फायदा उठा रही थी, मेरा इस्तेमाल कर रही थी, मेरे नेटवर्क्स और कनेक्शंस को यूज कर रही थी। मनीष ने कहा कि मैंने सृष्टि को पूरे तरीके से इन्वॉल्व किया अपने करियर में, अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में, लेकिन उसने मुझे ठीक तरीके से गुड बाय कहना भी जरूरी नहीं समझा, उसके ऊपर से उसने मेरी चुप्पी का फायदा उठाया है। मनीष नागदेव ने कहा कि वो सब लोग जो किसी और की भावनाओं का फायदा उठाते हैं उनके साथ खिलवाड़ करते हैं, वो ऐसा करना छोड़ दें क्योंकि इससे दूसरे इंसान को बहुत दुख होता है। जी हाँ, अपने इस ओपन लेटर में मनीष नागदेव ने सृष्टि रोड पर कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं। मनीष ने खुलासा किया है कि सृष्टि रोड ने उन्हें तब डंप कर दिया जब वो बिग बॉस से फेम पा चुकी थी। इतना ही नहीं, मनीष ने ये भी कहा कि मनीष नागदेव भी सृष्टि के सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैंडल करते थे, वही सृष्टि रोड के लिए मीडिया से इंटरैक्ट करते थे और वही सृष्टि रोड के लिए मार्केटिंग और पब्लिसिटी भी करते थे। ये कहते हुए मनीष नागदेव ने कहा कि वो मुझे जिस हद तक इस्तेमाल कर सकती थी उसने किया। वेल, अब इन आरोपों के बाद देखना ये है कि क्या सृष्टि रोड इस पर चुप्पी तोड़ती है। याद दिला दे कि जब पिछली बार एक लीडिंग चैनल के रिपोर्टर ने सृष्टि रोड से मनीष पर सवाल कर लिया था तो वो इंटरव्यू बीच में ही छोड़कर चली गई थी। फाइनल कट, न्यूज़ डेस्क।